हे गाइस, वेलकम टू मेडिकल एंट्रेंस मेडिटिक्स। बच्चों, आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को कम्प्लीटली कवर करने जा रहे हैं, दैट इज रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट। पिछले कई सालों से इससे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते रहे हैं और आगे भी इनसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, तो आज इस टॉपिक को हम बहुत ही अच्छे से कवर करने जा रहे हैं। इसमें मेनली मैं आपको दो तीन चीज़ें पहले से ही बता देता हूँ जो कि आगे हमको इस टॉपिक को समझने में हेल्प करेंगी। इसमें हमको दो रिफ्लेक्सेस देखने हैं, आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर, एक है मेरे रिफ्लेक्स, एक है बेनब्रिज रिफ्लेक्स। अब एक है कार्डियो इनहिबिटरी और एक है कार्डियो एक्सेलरेटर। इनहिबिटरी आपको समझ में आ रहा है कि ये कार्डियो मतलब कार्डियक एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा, यानी कि ये हार्ट रेट को कम करेगा, और हार्ट रेट का कम हार्ट रेट क्या कहलाती है? ब्रेडीकार्डिया। इसका जस्ट अपोजिट ये क्या करेगा? ये कार्डियो एक्सेलरेटर है, ये कार्डियक एक्टिविटी को एक्सेलरेट करेगा, यानी कि हार्ट रेट को बढ़ाएगा, दैट इज टैकीकार्डिया। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, पहले तो जो आपका वैसोडायलेशन होता है, मतलब कि आपकी जो ब्लड वेसल है वो डायलेट हो जाएंगी, तो क्या होगा? बीपी डेफिनेटली कम हो जाएगा और ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। उससे क्या होगा कि आपकी जो कंडीशन हार्ट रेट की है वो बहुत कम हो जाएगी और ब्रेडीकार्डिया कंडीशन होगी। तो आप बस इतना याद रखें यहाँ तो अभी कि जो वैसोडायलेशन जितना ज़्यादा होगा हार्ट रेट उतनी ही कम होगी। ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। किस तरीके से? कि वैसोडायलेशन हो रहा है मतलब कि ब्लड फ्लो कम हो रहा है, ब्लड फ्लो कम होगा तो हार्ट रेट भी डेफिनेटली कम हो जाएगी। तो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ब्लड का फ्लो और हार्ट की रेट। अब देखते हैं मेरे रिफ्लेक्स। सबसे पहले तो यहाँ कुछ रिसेप्टर होते हैं, दोनों रिफ्लेक्सेज में हम दो रिसेप्टर के बारे में बात करेंगे। इसमें हम बात करते हैं बेरो रिसेप्टर। बेरो मतलब होता है जो प्रेशर को रिकॉग्नाइज करेगा, वो रिसेप्टर जो प्रेशर के चेंज में होने से स्टिमुलेट होते हैं। और बेनब्रिज में आते हैं हमारे कीमो रिसेप्टर जो कि केमिकल के चेंज होने से स्टिमुलेट होंगे, और यहाँ आएगा बेरो रिसेप्टर। अब हमको कुछ बेरो रिसेप्टर की लोकेशन देखनी है कि वो कहाँ सिचुएटेड है। तो ये जो बेरो रिसेप्टर हैं जो कि इस मेरे रिफ्लेक्स को आगे रन कराएंगे, उनकी सिचुएशन है, एक तो अपनी इंटरनल कैरोटिड जो आर्टरी होती है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और एओटा से जस्ट पहले जो आर्च ऑफ एओटा जो होती है, जब वो वहाँ से ब्लड लेके निकलता है लेफ्ट वेंट्रिकल में से, तो उसकी एक आर्च होती है, उस आर्च में सिचुएटेड होते हैं ये बेरो रिसेप्टर। ठीक है, इसके साइड में ही जहाँ बेरो रिसेप्टर होते हैं उसके साइड में ही ये कीमो रिसेप्टर भी प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, जैसे ही ब्लड का फ्लो बढ़ा यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ा, ब्लड प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, ये बेरो रिसेप्टर जो कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में थे और आर्च ऑफ एओटा में थे, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों स्टिमुलेट हो जाएंगे। जैसे ही ये बेरो रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे, ये वहाँ से अब जानकारी भेजेंगे कौन कौन सी नर्व के थ्रू, ये आपको याद रखना है, ये 9th और 10th क्रेनियल नर्व के थ्रू इन्फॉर्मेशन इम्पल्स भेजते हैं। आपको याद होगा 9th है ग्लोसोफेरेंजियल और 10th है वेगस नर्व। जब मैंने आपको क्रेनियल नर्व की पूरा मैंने इसको नर्वस सिस्टम में आपको मैंने इन सभी के नाम भी याद रखने की ट्रिक बताई है, और उनकी वो किस नेचर की होती है, सेंसरी होती है, मोटर होती है, दोनों प्रकार से होती है, वो दोनों मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है। अगर जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके उनको देख लें, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा उनसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो ये 9th और 10th यानी कि ग्लोसोफेरेंजियल और वेगस नर्व के थ्रू इम्पल्स भेजते हैं। ये इम्पल्स कहाँ जाती है याद रखना है आपको, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस। आपको याद होगा जब नर्वस सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था तब मैं न्यूक्लियस आपको बताया था, ये वो जगह होती है न्यूक्लियस जहाँ पे ये सब न्यूरॉन्स या नर्व के थ्रू इंफॉर्मेशन आती है, प्रोसेसिंग होती है और वहाँ से भेजे जाते हैं। तो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो ट्रैक्टस सोलिटेरियस न्यूक्लियस है ये प्रेजेंट होता है मेड्यूला ओब्लंगाटा में। ठीक है, तो ये इंपल्स 9th और 10th क्रेनियल नर्व के थ्रू जा रही है कहाँ, मेड्यूला ओब्लंगाटा में, वहाँ का वहाँ किस जगह पे, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस। कौन सी इन्फॉर्मेशन, जो इंक्रीज ब्लड प्रेशर की वजह से जो बेरो रिसेप्टर स्टिमुलेट हुए थे, तो जो स्टिमुलेशन के बाद जो इन्फॉर्मेशन जनरेट हुई वो जा रही है। इसके बाद क्या होगा, ट्रैक्टर सोलिटेरियस में पहुंच गई, इसके बाद वैसोडायलेटर एरिया को स्टिमुलेट कर दिया जाएगा। अब वैसोडायलेटर एरिया को स्टिमुलेट किया जाएगा यानी कि वैसोडायलेशन कराया जाएगा, और यहाँ मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है वैसोडायलेशन जितना ज़्यादा होगा तो हार्ट रेट कम हो जाएगी, दैट इज ब्रेडीकार्डिया। तो देखो ये पूरा रिफ्लेक्स है, एक सीक्वेंस है इवेंट्स का, देखो किस तरीके से बीपी बढ़ा और बीपी बढ़ने के बाद बॉडी ने कैसे रेगुलेट किया और हार्ट रेट को कम कर दिया। तो ये तो हुआ हमारा मेरे रिफ्लेक्स यानी कि कार्डियो इनहिबिटरी रिफ्लेक्स। इसमें आपने क्या किया, कार्डियक फंक्शन को इनहिबिट किया यानी कि हार्ट रेट को कम किया, दैट इज ब्रेडीकार्डिया। अगला है बेनब्रिज रिफ्लेक्स, इसमें हम उसको करेंगे एक्सेलरेट यानी कि हार्ट रेट को बढ़ाएंगे, ये देखो आप देख रहे हैं टैकीकार्डिया होगा। अब देखो इनकी भी लोकेशन क्या होती है, सिचुएशन वही है जहां ये बेरो रिसेप्टर प्रेजेंट थे उनके साइड में ही है। अब
इसमें क्या होगा, ये बीपी की वजह से स्टिमुलेट हो रहे थे क्योंकि यहाँ बेरो रिसेप्टर थे। यहाँ कीमो के बारे में बात करें, कीमो यानी कि जो केमिकल की बेस पे जो स्टिमुलेट होंगे। केमिकल कौन कौन से, जैसे कि एस प्लस आयन की कंसंट्रेशन ब्लड में जो केमिकल हैं वो, जैसे कि CO2 की मात्रा अगर बढ़ गई तो इससे ये स्टिमुलेट हो जाएंगे। अब देखो वीनस रिटर्न बढ़ा, वीनस रिटर्न वो होता है जो ब्लड वेना कावा के थ्रू लाया जाता है, जो अपने राइट एट्रियम में लाया जाता है, उसको बोलते हैं वीनस रिटर्न। यानी कि जो भी पूरी बॉडी का ब्लड लाया गया है वो वीनस रिटर्न है। अगर वो बढ़ गया तो वीनस रिटर्न बढ़ा है मतलब कि सीधी सी बात है एच आयन की कंसंट्रेशन और CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो इसलिए जो राइट एट्रियम में कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जिनको बोला जाता है स्ट्रेच रिसेप्टर, राइट एट्रियम में वो स्ट्रेच रिसेप्टर हैं वो स्टिमुलेट हो जाएंगे और वो इंपल्स भेजेंगे। यहाँ 9th और 10th क्रेनियल नर्व के थ्रू इंपल्स भेजी गई थी, यहाँ इंपल्स भेजी जाती इन्फीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक नर्व के थ्रू। याद रखें आप, इसको ICS नर्व भी बोला जाता है, ICS नर्व के थ्रू, इन्फीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक नर्व के थ्रू। अब क्या होगा, इन्फॉर्मेशन भेजी गई, देखो जैसे यहाँ भेजी गई थी, अब यहाँ वैसोडाइलेशन एरिया को स्टिमुलेट किया था आपने, तो लेकिन यहाँ क्या किया जाएगा, ये इंपल्स जाएगी और ये वैसोडाइलेशन एरिया को इनहिबिट कराएगी। वैसोडाइलेशन एरिया यहाँ स्टिमुलेट हुआ था तो ब्रेडिकार्डिया हुआ था, यहाँ क्या होगा, वैसोडाइलेशन एरिया इनहिबिट हो रहा है तो डेफिनेटली ये टैकीकार्डिया होगा, यानी कि हार्ट रेट बढ़ेगी, जो कि यहाँ हमने पहले ही बता दिया था कार्डियो एक्सेलरेटर होता है। तो आपको पहले तो इतना याद रखना है कि जो मेरे रिफ्लेक्स होता है ये हार्ट रेट को कम करता है यानी कि ब्रेडिकार्डिया कराएगा, और बेनब्रिज रिफ्लेक्स है जो कि कार्डियो एक्सेलरेटर है टैकीकार्डिया कराएगा। यहाँ बेरो रिसेप्टर के बेस पर सब फंक्शनिंग होगी, यहाँ कीमो रिसेप्टर के बेस पर होगी। इनकी लोकेशन सेम है दोनों की, तो आप याद रखें इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और आर्च ऑफ एओर्टा, ये बीपी में बढ़ने से स्टिमुलेट होंगे और ये वीनस रिटर्न में इंक्रीज होने से स्टिमुलेट होंगे। ये इंपल्स जाती है किसके थ्रू, 9th और 10th क्रेनियल नर्व के थ्रू, और ये जाती है ICS नर्व के थ्रू, और इनका काम क्या है, ब्रेडिकार्डिया कराना, ये है टैकीकार्डिया कराना। तो इस तरीके से कुछ 7-8 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जो कि हो सकता है कि पूछे जा सकते हैं, पहले भी पूछे गए हैं, तो आप इनको कंप्लीटली कवर कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश ये करा रहा हूँ कि अगर आपको NCERT तो कवर हो ही रही है, अगर बाई चांस कभी NCERT से कुछ अच्छे क्वेश्चन अगर बाहर से भी पूछ लिए जाएँ तो वो भी आपके कंप्लीटली कवर होने चाहिए। ठीक है गाइज, फिर भी अगर आपको कोई भी टॉपिक में किसी भी टाइप की दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको बताएं, मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा आपकी उस क्वेरी को मैं बहुत जल्दी उसको मैं सॉल्व करूँ। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच।